Hello students, this is Rakesh Bhatia. Welcome you all. Today we are going to discuss about the FileM Core Data. Before going to the topic, I would like to request you all to kindly subscribe the channel and press the bell icon for new notifications and also like and share the video. Put your queries in the comment box.

द बिगेस्ट एनिमल इज द ब्लू बेहेल द थ्री टोर्ड स्लॉथ आर सेट टू बी द थ्री टोर्ड स्लॉथ जो है दैट इज सेट टू बी द स्लोएस्ट एनिमल ऑल दीज एनिमल्स फॉल अंडर द सेम फाइलम द फाइलम कॉर्डेटा, लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉर्डेट्स. तो हम बात करेंगे कॉरडेटा में हम फास्टेस्ट एनिमल की बात कर रहे हैं हम स्लोएस्ट एनिमल की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी जो है वो आगे इसके जो फीचर्स आएंगे उनमें डिस्कस करते हैं यू कैन सी अ टिपिकल कॉर्डेट देर इज ए प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पोस्ट एनल टेल इज देयर एनस फाइनेंशियल गिल स्लिट्स वेंट्रल मॉथ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल कॉर्डेट

And is replaced by the vertebral column after the embryonic stage in all vertebrates. सभी वर्टिब्रेट्स में इम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ये जो नोटोकोर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. Next we have dorsal nerve cord. It is a bundle of nerves running along the back and splits into brain and the spinal cord. Dorsal nerve cord है. Bundle of nerves, running along the back and splits into brain and the spinal cord. It is hollow and lies dorsal to the notochord. Notochord a dorsal side may uh, lie karega, front side mein lie karega. Next third point, pharyngeal slits. Uh, you have seen the pharyngeal slits in diagram. They are the openings which allow the entry of water through the mouth without entering the digestive system. That is. दे कोनेक्ट मॉथ विद्रोट मॉथ को थ्रोट से कनेक्ट करते हैं क्या फेरेंजियल स्लिट्स ऑल कॉर्डेट्स हैव दिज ओपनिंग्स ऑन द लेटर साइड ऑफ द फेरिंग्स एट समयर लाइफ लाइफ की स्टेजेस में लेटरल साइड में सभी कॉर्डेट्स में यह ओपनिंग होगी जिनको हम कहेंगे फेरेंजियल स्लिट्स नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज पोस्ट एनल टेल इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी

सिलोम इज प्रेजेंट एंड देर बॉडी इज सेगमेंटेड द बॉडी डिजाइन इज कम्प्लेक्स एंड वेल डिफ्रेंशियटेड जो कॉर्डेट्स की बॉडी है उनका डिजाइन थोड़ा कम्प्लेक्स है और वेल डिफ्रेंशिएटेड है बॉडी हैज एन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ आइलम कॉर्डेटा phylum chordata is classified into three subphyla, namely, urochordata, that includes tunicates, cephalochordata, that includes lancelets, and vertebrata, that includes vertebrates. here, we will discuss the phylum vertebrata in detail. phylum chordata contains all the animals that have rod-like structures, यूज टू गिव दैम सपोर्ट इन मोस्ट केसेस दिस इज द स्पाइन और बैकबोन विद इन कॉड डेटा देर आर फाइव क्लासेस ऑफ एनिमल्स जस्ट लाइक फिशिस एम्फीवियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मेमल्स थ्री डिवाइडिंग फैक्टर्स सेपरेट तीज क्लासेस फाइव जो क्लासेज हैं उनको जो मेन सेपरेट करता है वो तीन फैक्टर्स हैं फर्स्ट फैक्टर इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स एनिमल्स आर आइदर होम्योथर्मिक होम्यूथर्मिक मीन दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर सो दैट इट इज केप्ट एट एन ऑप्टिमम लेवल जैसे ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 सेवन डिग्री सेल्सियस तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो वी कैन मेंटेन अवर टेम्परेचर टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस सो ह्यूमन बींग्स आर होम्योथर्मिक और पाई किलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म which cannot रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर the environment affects हॉट और कोल्ड दे आर उनका जो टेम्परेचर है वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि एनवायरमेंट कैसा है हॉट इन्वायरमेंट है या कोल्ड इन्वायरमेंट है अगर हॉट होगा तो उनकी बॉडी हॉट होगी और अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा तो उनकी बॉडी जो है वो कोल्ड होगी सेकेंड पॉइंट इज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब दबे इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन फ्रॉम द एयर बिच कैन बी थ्रू गिल्स और थ्रू स्किन इन केस ऑफ और इट बी थ्रू लंग्स. तो ऑक्सीजन का इनटेक किस तरीके से बॉडी में होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम फायर के ऑर्गेनिजम्स का थर्ड पॉइंट वी हैव दैट इज रिप्रोडक्शन दिस फैक्टरी इज पर्टिकुलरली वेरी एनिमल्स कैन बी ओबीपेरिस मीन्स दैट कैन लेक्स और एनिमल्स कैन बी 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 पेरिस विच कैन गिव राइस टू एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और कुछ में इंटरनल भी हो सकती है इन मैमल्स द मदर प्रोड्यूस मिल्क फॉर द यंग वन मैमल्स में मदर जो है वो नरिशमेंट के लिए यंग वन की नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस करेगी नो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सुपर क्लास दैट इज स्पाइसिस द सुपर क्लास स्पाइसिस स्पाइसिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेजिज स्पाइसिस मीन फिश आर द ट्रूली जॉर्ड वर्टिब्रेट्स इनमें जा होगा दे हैव ऑर्गेन ऑफ दे हैव ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन रिलेटेड टू परमानेंटली लाइफ इनमें जो रेस्पिरेशन और लोकोमोशन के ऑर्गेन ऐसे होंगे जो परमानेंटली रिलेटेड टू एक्टिक लाइफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स आर गिल्स एंड द ऑर्गेन्स ऑफ लोकोमोशन आर प्यर्ड एंड लोकोमोशन के लिए क्या होगा फिन्स होंगे और रेस्परेशन के लिए ऑर्गेन होगा वो गिल्स होगा ऑल आर पाइकिलोथर्मस पाइकिलोथर्मस मीन दे आर कोल्ड ब्लडेड दे कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइलम पाइसिस देर एक्वेटिक आइर फ्रेश वाटर और मेराइन हारबी और कार्निबोरस कोल्ड ब्लडेड ओबीपेरस और ओबोबीबी पैरस ओबीपेरस मीन एगलेइंग और ओबोपीबीबी पैरस मतलब एग्लेंग की हो सकते हैं और यंग वन को भी जन्म दे सकते हैं ये बॉडी इज यूजली स्पिंडल स्पिंडरशिफ्ट बॉडी है सम आर इलांगेटेड स्नेल लाइक एंड फ्यू आर डोरसोबेंट्रली कम्प्रेस्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड इन टू हड ट्रंक एंड तेल बॉडी इज हेड ट्रंक एंड टेल लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्बिकल और होंगे आगे वाले जो होंगे, मौत की तरफ उनको हम बोलेंगे पैक्टोरल और जो पीछे वाले फिन्स होंगे उनको हम बोलेंगे पेल्विक फिंस एलोंग दिडियन डोरसल एंड कॉर्डलफिन और साथ में एक अकेला फिन होगा जिसको हम बोलेंगे मेडियन डोरसलफिन और टेल फिन को हम कहेंगे कॉडलफिन स्पोर्टेड बाई ट्रू डर्मल

साइक्लॉइड और टीनोइड इन केस ऑफ ऑस्टिक थाइस एंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजनस और बोनी कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन जो है वो होगा में, स्केट इज कार्टिलेजनस फिशेज में और बोनी एंडोस्केल्टन दैटीन ऑस्टिक था बोनी फिशेज में द नोटोकॉड इज यूजली रिप्लेस्ड बाई बोन और कार्टिलेस प्रेस ऑफ बेल डिवेल कल

बीनस हार्ट इट इज टू चैम्बर्ड दैट इज इट हैज वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल एक ऑरिकल होगा इसका पार्ट और एक पार्ट होगा वेंट्रिकल तो फिशेज हार्ट इज टू चैम्बर्ड साइनस बीनोसिस एंड रिनल एंड पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट अरिथ्रोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड अरिथ्रोसाइट्स के बीच में क्या होगा न्यूक्लियस मीन आरबीसी के बीच में क्या होगा न्यूक्लियस होगा And these are pikilothermus. Pikilothermus means cold bloodies. Kidneys are mesonephrons. And excretion is ureotelic. You know excretion is ureotelic excretion is that excretion in which the base product is urea. And urea takes more butter to be expelled out of the body. So the excretion is ureonephric. Brain is usual uh, with 5 parts. Fishes has 10 pairs of cranial nerves nostrils are paired but do not open into pharynx except in dipnoi nasal capsules are partly separated in chondrichthyes and completely separated in osteichthyes so thighs uh, mean cartilaginous fishes and osteichthyes mean bony fishes in fishes विटी और इयर ऑसिकल्स आर एबसेंट इंटरनल ईयर विद सेनाटर लाइन सिस्टम इज बेल्ट फिशेज का जो सिस्टम होता है दैट इज लेटर लाइन सिस्टम सेक्सेस आर सेपरेट मेल अलग है और फीमेल अलग होगा गुनेड्स आर टिपिकली पेयर्ड गोनोडक्ट ओपन इंटू क्लोई का इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइजेशन मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल फीमेल्स ऑफ कॉन्ट्रिक थाइस दैट इज कार्टिजनस फिशीज आर ओ बी पैरस और ओबो बीबी पैरस एंड ओस्टिक थाइज आर मोस्टली ओबी पैरस ओबी पैरस मीन दे कैन ले एक्स एंड ओबो बी बीबी पैरस मैन आई दर ले एक्स और कैन ले यंग वंस एंड ऑस्टिक थाइज की जो फिशीज होंगी वो कैसी होंगी ओबी पैरस एंड रेयरली ओबो बीबीपैरस और बीबीपैरस एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक एंड हेयर द क्लीवेज इज मीरोस्टिक एंड वट इज मीरो पार्शियलिवेज और इनकम्प्लीट क्लीवेज ऑफ एग एग का इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा उसको हम क्या कहेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एक्स्ट्रा इम्रोनिक मेम्रेन आर एबसेंट एंड डेवलपमेंट इज यूजली डायरेक्ट विदाउट और विद लिटल मैटामफोसिस डेवलपमेंट इज डायरेक्टली विदाउट और विद लिटल मैटामोरफोसिस एंड वट इज मैटामोरफोसिस मैटामोरफोसिस मीन चेंज इन मोरफोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म डूरिंग इट्स लाइफ टाइम अपने जीवन काल में जब मोरफोलॉजी में चेंज आती है तो उस मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलेंगे मैटामोरफोसिस Now we will discuss the classification of superclass Pisces, which include fishes that is bony fishes and cartilaginous fishes. Pisces are classified into three categories first is placodermy, second is chondrichthyes, and third is austic uh, thighs. Chondrichthyes means cartilaginous fishes, and osteichthyes mean uh, bony fishes. फर्स्ट कैटेगरी वी हैव प्लेकोडर्मी दैट इज ऑल हाइट्स ऑल दिस क्लास आर एक्सटिंग टूडे आज एक भी ऑर्गेनिज्म जो इस क्लास का नहीं है देयर एक्ल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ शील्ड्स एंड एंडोस्केल्टन इज बोनी दिस फिशेस एग्जिबिट ऑटोडाइस्टेलिक जा सस्पेंशन दे सर्वाइव एंटिल द एंड ऑफ द डिबोनियन पीरियड जैसे क्लाइमेटस आ गया अ बोत्रो लैपिस आ गया तो दीज आर द फिशेस व्हिच आर प्लेकोडर्मी नेक्स्ट कैटेगरी भी है दैट इज कोंड्रिक्थाइस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेजनस फिशेस दीज फिशेस आर फाउंड ओनली इन मैराइन एनवायरनमेंट केवल ये मैराइन वाटर में दैट इज सी वाटर उसी में पाई जाएंगी द एक्सोस्केलेटन इज लाइक प्लेकोइड स्केल प्लेकोइड स्केल का एक्सोस्केलेटन है

Uh, pectoral fins pelvic fins claspers later line and caudal fin that is heterocircle you can see and draw the diagram of fish on your notebook next category of fishes that is ostrich thighs these fishes are found in marine water fresh water or brackish water ये मराइन वाटर में भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी हो सकती है लेकिन कॉन्ड्रिक था दैट वॉज टोटली प्रेजेंट इन मेराइन वाटर दे हैव बोनी हैव नो क्लेस्पर्स क्लेस्पर्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैव नो क्लेस्पर्स द गिल्स आर कवर्ड कवरिंग दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज एयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ देम दे आर फर्दर डिडेड इन टू टू सब क्लासेस ऑस्टिक थाज टू सब क्लासेज ऑफ ऑस्टिक थारस लैपिडोसेन सी दिस बोनी फिश इट हैल मॉथ और आपने देखा था कि कॉन्ड्रिक था मॉथ जो थाट वॉज बेंटर इन पोजिशन इन स्कॉलिडोन एंड इन लेबी रोहिता दिस इज ए बोनी फिश यू कैन ड्रा द डायफ दिस बोनी फिश एंड लेवल इट्स वेरियस पार्ट

और बोनी फिश की एक बेल लेवल्ड डायग्राम बनानी पड़ेगी एंडोस्केल्टन कार्टिलेजनस फिशेस में एज द नेम इंडिकेट इट इज कंप्लीटली कार्टिलेजनस, वेयर एज इन बोनी फिश इट इज बोनी मॉथ इज बेंट्रल इन पोजीशन इन कार्टिलेजनस फिशेस एंड टर्मिनल इन पोजीशन इन बोनी फिशेस। अदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफरेंसेस यू कैन सी इन दिस टेबल एंड यू कैन नोट डाउन दिस डिफरेंसेस ऑन योर नोटबुक्स because it is very important question from examination point of view Next we have class Amphibia in phylum data Amphibia as the term signifies are the animals adapted to both land and water and as such have made a compromise between the two environments to so Amphibia, MP mean both ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे एनिमल्स होंगे जो लैंड के अंदर भी पाए जाए लैंड में भी पाए जाएंगे और पानी के अंदर भी पाए जाएंगे एट लीस्ट दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर ब्रीडिंग इनकी ब्रीडिंग के लिए वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट बट देर आर फॉर्म्स विच डू नॉट रिक्वायर वाटर मीडियम एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री सो मोर प्रिसाइजली दे मे बी डिफाइंड एज कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स With a moist, glandular, smooth and rough skin. They are the vertebrates which are cold-blooded. Means they can't regulate their body temperature with the change in environment. General characteristics of class Amphibia are They are the first cold-blooded vertebrates from evolution point of view which came to the land. Class Amphibian include about 3000 species. दे आर एम्फीवियस इन नेचर दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म कंट्रीज दे आर एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक टेल में बी प्रेजेंट इन सम एम्फीवियंस द स्किन इज स्मूथ और रफ हैविंग ग्लैंड बिच क्वाइट कीप द स्किन व्हाइट स्किन के ऊपर ग्लैंड होंगे जो स्किन को मॉइस्ट रखेंगे गीला रखेंगे

स्कल इज डाइकोंडाइलिक दैट इज विद टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स फॉर आर्टिकुलेशन विद वर्टिबल कॉलम स्कल जो है वो कैसे घूमेगी वर्टिबुल्ड कॉलम के साथ घूमेगी क्योंकि इसके अंदर क्या है टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं द रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस आर लंग्स बक्ोफ्रेंजियल कैविटी स्किन एंड गिल्स तो ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस आर प्रेजेंट इन क्लास एम्फीविया

दे एक्सक्रीट अमोनिया एज ए बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉग एंड एलिमेंट्री कैनालरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन टू कॉमन चैम्बर कार्ड क्लोयका तो यहां पर यूरिन एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी केनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक कॉमन चैम्बर में ओपन करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्लोईका उट साइड थ्रू क्लोइकल अपर्चर जो कि बाहर ओपन करेगा बाई मीन ऑफ क्लोइकल अपर्चर ईयर ऑसिकल्स कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडल ईयर ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडल ईयर टिम्पेनिम कवर द मिडल ईयर द आईज हैटिंग मैमब्रेन इज वेल डिवलप निक्टीटेटिंग मैमब्रेन मैम्रेन विच इज प्रेजेंट ओवर आईज

डर जो है दैट गिव राइज टू यंग वंस डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग ब्रीडिंग के लिए वाटर जो है वो बहुत जरूरी है मेल लेकोलेटरी ऑर्गेन दैट इज क्लेस्पर, मेल जो है कॉपोलेट्री ऑर्गेन जो है लेक करेगा द मेटामोसिस इज यूज प्रेजेंट ए फिश लाइक लार्बा द टैडपोल इज प्रेजेंट टैडपोल लार्बा विच इज फिश लाइक इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फ्रॉग्स कहा होंगे फ्रेश वाटर और मॉइस्ट लैंड में होंगे एम्फीवियर नॉट फाउंड इन सी वाटर एक्सेप्टी वाटर में पाए जाएंगे अदरवाइज ऑल फॉर्म ऑफ एम्पीविया देर फाउंड इन फ्रेश वाटर दिस म्यूकस ऑन द बॉडी टू रिड्यूस वाटर लॉस बॉडी पे म्यूकस करेंगे जिससे क्या होगा वाटर लॉस को यह रिड्यूस करेंगे फॉर एग्जाम्पल we have rana which is a frog bufo which is a toad and hyla that is a tree frog or salamandra that you know very well uh, salamandra that is tailed amphibian and ichthyotopus uh, that is limbless amphibian so there is very important question what is the difference between frog and toad for examination point of view next क्लास दैट इज रेप्टीलिया ऑफ फाइलम कोडेटा दीज आर द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू लाइफ ऑन लैंड तो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो लैंड के ऊपर पूरे तरीके से अडेप्टेड थे दे आर बिलीव टू हैव बिन अवॉल्व फ्रॉम एम्फीवियम ऑफ ईयर एगो ये माना गया है कि लाखों साल पहले वो एम्फीविया से ही पैदा हुए हैं ये देर आर अबॉउट टेन थाउजेंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रेपटाइल्स ऑन अर्थ दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिनिमल किंगडम तो दस हजार से ज्यादा ऑर्गेनिज्म है और ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कार चेंज देअर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास रेप्टीलिया दीज आर क्रीपिंग एंड बोरोइंग ट्रेस्टल एनिमल्स विथ स्केल्स ऑन देअर लीप्स ये कैसे होते हैं क्रीप करते हैं लैंड ले, के ऊपर और बोरोइंग मीन बिल्स छोटे छोटे बिलों में रहेंगे ये दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बार्मर रीजन ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड ब्लडेड है इसलिए कहां पाए जाएंगे बार्मर रीजन में पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द स्किन इज ड्राई एंड रफ विदाउट द ग्लैंड

ंग स्कल इज मोनोकोडाइलेक्ट मीन इट कैन नॉट रोटेट दे हैव टू पेयर स्नेक्स आर एज एन एक्सेप्शन होंगे बाजू और टांगे होंगी दैट है क्या होंगे पांच पार्ट होंगे पेंटाडेक्टाइल प्लांट क्या होता है ऐसे हम अपने बाजू की बात करें तो इसमें क्या ह्यूमरस है रेडियस आलना है कार्पल्स हैं मेटा हैं, है फ्लेंजेस हैं तो दैट इज द फाइव डिजिटेड प्लांट तो इस तरीके से ही इनकी जो लिम्स होंगे उनका प्लान कैसा होगा फाइव डिजिटेड मीन इट हैज फाइव पार्ट्स। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हाउ एवर क्रोकोडाइल हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेन नर्व लेटर लाइन सिस्टम इज एबेंट इन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स ऑल द रेपटाइल हैव वेल डिवेल्प ईयर स्नेक को छोड़ दिया जाए तो जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनका वेल well डिवेल्पर होगा कान होंगे और हार्ट उनका थ्री चैम्बर्ड है और प्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन विच हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट नर्वस सिस्टम इट हैजेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व दे रेपटाइल्स आर यूरियोलिक यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक रेपटाइल यूरिया भी हो सकते हैं जो कि बेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया निकाले एक्सक्रीट करेंगे यूरिको होंगे जो कि बेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड निकालेंगे और अमोनोटेलिक मींस जो कि बेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया निकालेंगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे एग्जिबिट अ मीरो ब्लास्टिक सिस्टम ऑफ सेगमेंटेशन दे आर ओबीपेरस एंड एग्स आर वेरी योल्की इनके एग्जोगन में योक बहुत ज्यादा होगा एग्जाम्पल की बात करें स्नेक्स हैं टर्टल्स हैं लिजार्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम रेप्टीलिया विच आर द वेल डिवलप्ड लैंड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन मीन्स लंग्स फॉर रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइलम कोडेटा इज क्लास एवीज कैक्टिस्टिक फीचर्स आर वर्ड्स आर बाइपेडल फिदर्स एंड बार्मेड दैट इज होमियोथर्मस एनिमल्स दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर देअ लिम्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू बिंग्स फोर लिम्स किसमें मोडिफाई हो गए पंछियों के बिंग्स में मोस्ट ऑफ दन कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस वर्ड्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच क्लास एवीज हैज अबाउट नाइन थाउजेंड स्पीसीज नाइन थाउजेंड बर्ड स्पीसी जो है वो क्लास एवीज में है hind limbs are adapted for perching, walking or swimming. and usually bear four, sometimes three and rarely two toes. except europigium gland, that is also called as preen glands or wild glands, preen gland or oil glands, ka jo nam hai, that is europium glands at the base of the tail and present at the base of tail. there is no skin glands are present in phylum aves, ostrich and पेरेट लैक वॉयल ग्रैंड ऑस्ट्रिच और पैरट के अंदर जो है वो वॉल ग्रैंड भी प्रेजेंट नहीं होंगे बीक्स हो में और बीक के अंदर दांत नहीं होते हैं बीक्स आर अडेप्टेड टू मेनी वेज ऑफ फीडिंग लाइक सीड क्रशिंग Fruit scooping, flesh tearing, nectar sipping, wood uh, chiseling, and so on. Legs are modified for walking, hopping, grasping, perching, wading, and swimming. Legs bear horny epidermal scales, and legs, forelimbs, and hindlimbs have pentadactyl plan, meaning they have five digits. The alimentary canal has additional chambers.

जी एंड इन इलास्टिक एयर स्पेसिज आर कोनेक्टेड टू लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन लंग्स के साथ क्या है एयर स्पेसिज है लेरिंग डज नॉट एक्ट एज वॉइस बॉक्स इस इज प्रोड्यूस्ड बाई स्पेशल ऑर्गेन दैट इज कॉल्ड एज से बर्ड्स में जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है दैट इज से हार्ट इज फोर चैम्बर्ड साइनस पिनोसिस इज एबसेंट रीनल पोर्टल सिस्टम इज मच रिड्यूस्ड रेड ब्लड कार्पसल आर न्यूक्लेटेड एंड ओबल इन शेप किडनीज आर मेटानेफ्रिक विच ड्रेन द नाइट्रोजनस बेस्ड मैटर चीफली यूरिक एसिड यहां नाइट्रोजनस जो बेस्ट होगा दैट विल बी सो आर बर्ड्स आर इन टू क्लोइका थ्रू यूरिटर्स यूरिनरी ब्लैडर इज एक्सेप्ट रेया अमेरिकाना ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच दिस इज द ओनली वर्ड दैट हैज यूरिनरी ब्लैडर तो रेया अमेरिकाना इज द ओनली वर्ड विच हैज यूरिनरी ब्लैडर ब्रेन इज बेटर डिवलप्ड देन अदर रेप्टाइल्स ऑफ विच म सेवेलम एंड ऑप्टिक लोब्स आर क्वाइट लार्ज तो बर्ड्स का ब्रेन जो है दैट इज बेटर डिवेलप्ड देन रेप्टाइल्स बर्ड्स हैव ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व बर्ड्स हैव कीन सेंस सेंस ऑफ ऑफ साइट बट बट स्मेल हैज गुड सेंस ऑफ स्मेल पैक्टन इज प्रेजेंट इन द आईज ऑफ बर्ड्स इपनिंग आर प्रेजेंट इच एयर कंजिस्ट ऑफ थ्री पार्ट एक्सटर्नल मिडल एंड इंटरनल ईयर एंडोस्केल्टन इज फुली ऑसिफाइड मीन्स इट इज फुली बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज न्यूमैटिक बोन्स टू रिड्यूस वेट तो लॉन्ग बोन्स कैसे होंगी दैट विल बी हॉलो विथ एयर कैविटीज मीन्स बोन आर न्यूमैटिक बाई विच द वेट ऑफ द वर्ड कैन बी रिड्यूस्ड देर इज नो बोन मैरो

हैज यूजली बेल्ड सिंगल लेफ्ट ओबरी एंड ओबीडक्ट इफ राइट ओबरी एंड ओबीडक्ट आर प्रेजेंट दे आर बेस्टिजियल टू राइट जो ओबरी और ओबीडक्ट क्या है बेस्टिजियल है और यहां पर केवल सिंगल लेफ्ट ओबरी एंड ओबीडक्ट इज प्रेजेंट मैनी वर्ड्स शो सेक्शुअल डाइमोर्फिज ऑल बर्ड आर ओबीपेरस लाइक रेपटाइल्स वर्ड्स ले क्लिड एक्स विच आर मोनोलेसिथल एंड कैल्किरियस

Migration and territorial behavior. The examples are corbus, that is scientific name of crow, columba, pigeon; pistacula, that is parrot, stuthio ostrich, pabo, peacock, tito, all, uh, neophron, that is vultures. So these are some scientific names of birds. Next, we have last class of phylum chordata. That is class Mammalia. Animals belonging to class Mammalia are referred to as mammals. Mammals are one of the most evolved species in the animal kingdom, categorized under vertebrata. They exhibit advanced characters which set, which set them apart from all other animals. They are characterized by plants of mammary glands and through which they feed their younger ones.

ओशन डेजर्ट पोलर रीजन यू कैन सी एवरीवेयर मैम आर प्रेजेंट सो वी हैव टू हैव अ डिटेल्ड लुक एट द मैमल कैक्टरस्टिक्स दो कैक्टर एनिमल्स आर बॉर्न ब्लडेड हेरी एंड हैव मेमरी और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रैंड यहां पर क्या होंगे मैमरी ग्लैंड और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगे दे आर ओनली एनिमल्स विच नोरिशिज दे रेंग वेर आर अबाउट फोर थाउजेंड स्पीसीज ऑफ मैमल्स

टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स दैट इज हिट्रोड एंड आर इम्बेडेड इन द जा सॉकेट्स दैट इज कोडोट एंड दीज आर डिबर्ट ट्वाइस डूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एनिमल्स दैट इज डाइफाई डॉन्ट दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ तो जा सॉकेट्स में जो टीथ इंबेडेड होंगे उनको हम बोलेंगे थी कोडोंट

विथ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स रेस्पिरेशन टैक् टेक्स प्लेस बाई मीन्स ऑफ लंग्स दे प्रोजेसिस मस्कुलर डायफ्राम डिवाइडिंग ट्रंक इंटू थोरैक्स एंड अबडोम मस्कुलर डायफ्राम होगा जो ट्रंक को बॉडी को पेट को थोरेक्स uh, और अबडोमन में डिवाइड करेगा सिलोम इज डिवाइड इन टू फोर कैविटीज पेरिकार्डियल कैविटी लॉजिंग द हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट होगा टू प्लूरल कैविटीज दैट कंटेन्स लंग्स And an abdominal cavity, which contains rest of the visceral organs. So there are four cavities: pericardial cavities for heart, pleural cavities for lungs, and abdominal cavities for other visceral organs. The heart in mammals is four-chambered. Sinus venosus is absent. The red blood corpuscles are without nucleus.

ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट तो क्रेनियन से कितने ट्वेल्व फ्रॉम ब्रेन ईच ईयर ऑसिकल हैमर शेप्ड इनक एनिमल शेप्ड एंड स्टेपस स्मॉलेस्ट बोन दैट इज स्टीरअप शेप्ड इंटरनल ईयर हैजगेन ऑफ कॉटी द एक्चुअल ही आर बीबी पैरस कुछ एक मैमल्स हैं जो कि एगलिंग है बाकी सभी मैम कैसे हैं बीबी पैरस मीन दे गिव राइस टू यंग वंस गिव बर्थ टू यंग वंस देर आर प्रेजेंट फोर इम्रोनिकोरियोन एम एलोनटाइज एंड योक्स बर्ड्स में भी फोर इम्रोनिक मैम प्रेजेंट होती थी और मैमल्स में भी चार इम्रोनिक मैम प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट एग लिइंग्रेजेंट तो मैमल्स में क्या होगा बेल्ट डिवेल्प प्लेसेंटा होगा एक्सेप्ट एग लइंग मैमल्स में मैमल्स अकर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैबिटेट दे आर डोमिनेंट एनिमल्स एंड कैपेबल टू लर्न बिकॉज ऑफ देयर बैटर डिवल्प ब्रेन तो एनिमल्स का यू नो वेरी वेल हर जगह पाए जाते हैं और लर्निंग कैपेसिटी होती है इसमें क्यों होती है क्योंकि इनका जो बैटर डिवल्प्ड जो ब्रेन होता है अब ओवीपार एस एग लइंग मैमल्स कौन से हैं जिनको हम बोलते हैं डकविल्ड प्लेटिपस दैट इज ऑर्निथोर हिंकस और एग लेंग डिपस a tachyglosis, that is also called a spiny anteater echidna that is also called a tachyglosis. and we have a viviparous mammal just like macropus kangaroo, prototerus large bat camelus camel, macaca monkey, ratus rat canis dog, aliphas elephant, phallus cat delphinus that is common dol dolphin dolphin be joa, that give rise to young man Equus that is horse. blanotera, that is blue behel. That also give rise to young ones. Panthera, tigrin that is tiger. Panthera leo that is loin. So, this kind of organisms, uh, animals hain, they give rise to uh, young ones. So, students it was a very uh, lengthy topic. That was phylum Chordata because it has five classes. We studied all the five classes in one lecture. Although it is a long lecture. But you all are requested to. Uh, make the notes and uh, uh, write down the important points on your notebooks. Thank you and have a nice day.